मैं हूं और शरीर है, ये दो वास्तविकताएं हैं, इसके प्रति अवेयरनेस को बनाए रखना है। तो ये बात हमने सुनी है, जब कभी ऐसे सत्र में बैठते हैं ध्यान जाता है और कई बार ऐसा लगता है ये बात तो ही है ना, सुनी हुई है, बार बार आ रही है, परंतु ये देखने की बात है कि क्या ये बात सहज से मुझे देखने में आ गई है कि मैं हूँ और शरीर है, या शरीर ही है और शरीर की एक विशेष क्रिया हूँ मैं। इन सब मुद्दों पे हो सकता है कि अपने को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अभी शेष हो, इसको सीधा सीधा हम ना देख पाए हों, इसलिए इसको लेकर अभी अपने अंदर प्रश्न चिन्ह बना रहता है। तो मैं हूँ और शरीर से भिन्न एक इकाई हूँ, इसको अपने आप में और बारीकी से देखते रहना है। मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है वो सूचना मात्र है, तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ, शरीर में होने वाली संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ, इन दोनों में मेरा निर्णय शामिल रहता है। मैं जीना चाहता हूँ, शरीर तो साधन की तरह है, इसका मैं साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। जीने की जो चाहना है वो शरीर में नहीं है, मुझ में है, और मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। इस चीज को अपने आप में ऑब्जर्व करिए कि आप किसी भी क्षण जो कुछ भी करते हैं उस क्षण में जो सुख लगता है उसके लिए करते हैं, बाद में आपको लगता है ये तो मैंने ठीक नहीं किया, परंतु उस क्षण में आपको वही ठीक लगा तभी आपने किया, उस क्षण में आपको वही सुखप्रद लगा तभी आपने किया। इस चीज को अपने बारीकी से ऑब्जर्व करिए। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि इतनी सारी बात सुनने के बावजूद क्यों मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ, क्यों मुझे दूसरे की चाहना पे शंका होती है, क्यों मुझे सुविधा को देखकर ये तय नहीं हो पाता कि सुविधा मेरी आवश्यकता है या नहीं है, और फिर जो निर्णय लेते हैं उस पर हमें बाद में कई बार ऐसा भी लगता है कि निर्णय ठीक नहीं रहा, फिर लगता है कि जब ये सारी बातें सुनी तो उस समय मेरा निर्णय ठीक क्यों नहीं रहा, उस समय चूक कैसे हो गई। तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि उस क्षण में आपको वही सुखप्रद लगा, जो ऑप्शन अवेलेबल थे आपके पास उसमें वही आपको सबसे सही ऑप्शन लगा, इसमें ज्यादा सुख है या दुख कम हो रहा है। तो हम हर क्षण अपने एक नेचुरल स्टेट में, अपने स्वभाव में जाने का प्रयास तो करते हैं, भले ही हमारे अंदर स्वभाव की समझ ना हो, तो हम अपने सुख की स्थिति में बने रहने का या दुख की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और ये हर क्षण हो रहा है। इसको देखेंगे तो पाएंगे कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, और सुविधा की जो आवश्यकता है वो तीन ही पर्पज से, शरीर का पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में। तो मेरा जो कार्यक्रम है वो ये है कि मैं अपने स्वभाव में स्थापित हो जाऊं, ठीक है ना, मूल काम तो इतना ही है, उसी को फैला कर देखें तो जीने के चार स्तर पे मुझे व्यवस्था समझ में आ जाए, व्यवस्था में जी पाऊं। उसी को स्वयं में क्रियाओं के स्तर पे देखें तो पर्पस ये है कि मेरे अंदर चिंतन, बोध, अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए, यानी मेरा विकास हो जाए। तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली इस पूरी शरीर यात्रा का अगर निचोड़ देखें तो क्या है, वो क्या है जो उपलब्धि के रूप में मेरे साथ रहने वाला है, तो यही है कि मेरे अंदर चिंतन, बोध, अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए। इन क्रियाओं पे हम लोग आगे अगले पीपीटी पे बात करेंगे, यानी मेरा विकास हो जाए, यानी मैं अपने स्वभाव में स्थापित हो जाऊं। जब मैं ऐसा हो पाता हूं तो मुझे व्यवस्था की समझ होती ही है, तो चिंतन के साथ मुझे भाव की स्पष्टता होती है, बोध के साथ मुझे व्यवस्था की स्पष्टता होती है, और अनुभव के साथ सहस्तित्व की स्पष्टता होती है। तो उसका सहज फलन यह है कि मैं व्यवस्था में जी पाता हूँ, मेरे भाव विचार व्यवस्था सहज होते हैं, मेरा व्यवहार कार्य व्यवस्था सहज होता है, और यही मेरा कार्यक्रम है। इस पूरे कार्यक्रम में शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए मुझे शरीर के लिए कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे सुविधा कहते हैं। तो सुविधा का मैं उत्पादन करता हूँ, संरक्षण करता हूँ, सुविधा का शरीर के अर्थ में मैं सदुपयोग भी करता हूँ, और शरीर का अपने अर्थ में मैं सदुपयोग करता हूँ, और ये मेरे कुल कार्यक्रम का, यानी सुविधा से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है वो मेरे कुल जीने का फैलाव का एक छोटा हिस्सा है। सुविधा मेरे जीने का संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, बहुत छोटा हिस्सा है, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेजर काम तो ये है स्वयं का विकास होना, ये बात हमें ध्यान में रहे कि मेजर कार्यक्रम ये है सेल्फ का डेवलपमेंट होना। तो हम जो भी अभी कर रहे हैं उसे जितना भी समय मिलेगा उसको यहाँ लगाएंगे, जैसे हमें लग जाए कि ये काम जरूरी है, ये काम करना ही करना है, तो हम जितना भी समय मिलता है उसको बचाकर यहाँ लगाते हैं, जो मुझे जरूरी काम लगता है कि नहीं,
जो भी मुझे जरूरी काम लगेगा उसमें अपना शेष समय प्रयास ऊर्जा लगाऊंगा और उसके लिए और समय बचाऊंगा कि नहीं। तो कई बार जब लोगों से बात होती है कि ये बात तो अच्छी लग रही है, इसको कैसे समझा जाए, तो उनसे कहते हैं कि भाई आप वर्कशॉप करिए। तो लोग पूछते हैं कितने दिन का वर्कशॉप है, तो कहते हैं 5 डेज का वर्कशॉप है, 9.5 से 5, 5 दिन का समय लगाना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं भाई इतना समय कहाँ से निकलेगा 5 दिन। तो फिर उनसे कहते हैं कि भाई 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, उसमें अगर हम 5 दिन भी इस मूल कार्यक्रम के लिए नहीं लगा पा रहे है ना, तो हमारी फिर प्रायोरिटी कैसे बनेगी, फिर समझ में कैसे आएगी बात। और अगर 5 दिन हम ठीक से समझने के लिए लगाएं तो काफी संभावना कि जो बाकी 360 दिन है वो ज्यादा बेहतर होगा, उसमें सुख बढ़ेगा, सामान्य भाव बेहतर होंगे, निर्वाह बेहतर होगा, काफी संभावना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक वर्कशॉप करना एकमात्र तरीका है, मूल काम तो ये है कि व्यवस्था की समझ हो जाए, व्यवस्था में जीना हो जाए। तो अच्छी बात है कि हम में से जो साथी अभी सत्र में है, हम लोग एक प्रायोरिटी को सेट करके इसके लिए अपना समय प्रयास लगा पा रहे हैं, ये तो उपलब्धिपूर्ण बात है। और हमको दिखे कि यही मूल कार्यक्रम है, तो जब भी हम कोई योजना बनाएंगे भविष्य की, तो योजना के मूल में ये होगा कि चिंतन कैसे होगा, बोध कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा, समझ कैसे होगी, उसके लिए क्या कार्यक्रम है, कितना समय बचा शरीर यात्रा में और उसको कहाँ कैसे लगाना है कि नहीं। इसके बाद और ध्यान देते हैं तो दिखता है कि मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। दृष्टा मतलब देखने वाला, भोगता मतलब भोगने वाला, करता मतलब करने वाला। इसके विस्तार में थोड़ा जाते हैं तो और बात स्पष्ट होगी। तो दृष्टा का अर्थ है जो देखता है, समझता है। उदाहरण के लिए यदि आपके हाथ में कलम दिया जाता है और आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक कलम है, तो यह निर्णय आपकी आंखों का नहीं है, यह आपका निर्णय है। मैं यानी चैतन्य आंखों से भी देखता हूं, आंखें स्वतः नहीं देखती कि नहीं। तो ये आंखें नहीं तय करती, आंखों में तो चित्र हर बार अलग अलग बनता है। एक कलम दे दिया जाए, उसको पहले सीधा लंबवत रख दिया जाए आपके सामने, फिर उसको बिछा कर रख दिया जाए, फिर उसको टेढ़ा कर दिया जाए, फिर उसको अपने हथेली में छुपा लिया जाए, हर बार एक नया चित्र बनता है आंखों में, परंतु ये मैं तय कर पाता हूं कि एक कलम ही है। उसी प्रकार सभी पांचों ज्ञानेंद्रिया साधन है जिसके माध्यम से मैं बाहर की चीजों को देखता हूँ। जैसे आप बाहर की वस्तु देखते हैं वैसे ही आप भीतर भी देख सकते हैं, शरीर की संवेदनाओं को प्रयोग किए बगैर। तो जैसे हम अपने जब भाव को देखने जाते हैं उसमें शरीर की संवेदनाओं का कोई रोल नहीं है, उसको मैं सीधे सीधे देख सकता हूँ। मैं अपने सुख दुख को देख रहा होता हूँ, अपनी स्थिति को देख रहा होता हूँ कि आराम में हूँ कि परेशान हूँ। मैं अपनी सहज स्वीकृति को देख रहा होता हूँ, उसमें शरीर का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है ना। आप खुश हैं कि गुस्से में हैं आदि। इस प्रकार मैं देखता है, समझता है, कभी शरीर के सहयोग से और कभी शरीर के सहयोग के बिना। तो जब शरीर या शरीर से बाहर की वस्तुओं को मैं देखने जाता हूँ तो शरीर की भागीदारी है। जैसे मेरे पेट में अगर दर्द है, इसको देखने में तो जाहिर सी बात है शरीर की भागीदारी है, ये सूचना शरीर से ही मिलेगी। कोई व्यक्ति मुझसे व्यवहार कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो शरीर की भागीदारी है। मैं बैठकर बाहर के दृश्य देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, पक्षी देख रहा हूँ, उसमें शरीर की भागीदारी है। मैं एक भीड़ को देख रहा हूँ, उसमें शरीर की भागीदारी। बट मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या भाव विचार चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं किस बात से तनाव में हूँ, परेशानी में हूँ, या मैं ये देख पा रहा हूँ क्या बात मुझे समझ में आ गई, क्या समझना शेष है, तो इसमें शरीर की भागीदारी नहीं है। तो शरीर का प्रयोग साधन की तरह होता है देखने में, उसमें भी कभी शरीर की आवश्यकता होती है, कभी नहीं होती। जब पैंडेमिक में लॉकडाउन लगा था तो व्हाट्सएप पे एक मुहावरा घुमा करता था कि व्हेन यू कैनॉट गो आउटसाइड गो इनसाइड, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाइए। तो गोइंग इनसाइड भी एक प्रोग्राम है, गोइंग इनसाइड भी एक निश्चित कार्यक्रम है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये अपने अंदर देखना भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी हम बाहर की चीजों के बारे में बहुत सारी सूचना एकत्र करके रखते हैं, उसका पूरा खाका बना के रखते हैं, आंकड़े जुटा के रखते हैं, ठीक जब भी बैठते हैं बाहर की बातों को लेकर इतना सारा कुछ शेयर करते हैं।
शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है ना, मोहल्ले में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, अभी बहुत सारी बातों को हम शेयर करते हैं। मेरे भीतर क्या हो रहा है ये हम ना कई बार देख पाते हैं ना रख पाते हैं, तो इसको भी देखना जरूरी है। और उसमें भी सिर्फ ये ना देखें कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरी सहस्वीकृति क्या है। अगर हम अपनी सहस्वीकृति को सीधा सीधा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो अपने अंदर जो चल रहा है उसको भी रिजॉल्व कर पाएंगे और बाहर की भागीदारी को भी निश्चित कर पाएंगे, तय कर पाएंगे। तो ये बात अपने आप में हम देखें कि मैं ही दृष्टा हूँ, शरीर नहीं, शरीर तो एक साधन की तरह काम कर रहा है, वैसे ही मैं करता हूँ। तो कर्ता कर्त है वह जो करता है यानी जो निर्णय लेता है, तो मैं निर्णय करता है, मैं ही निर्णय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं करने के लिए शरीर का प्रयोग करता भी है और नहीं भी है। मैं जो सोचता है वह मैं यानी चैतन्य का निर्णय है। मैं सोचने का कार्य अपने भीतर ही करता है, इसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो शरीर का प्रयोग मैं निर्णय के कोई व्यक्त करने के लिए होता है, अगर आवश्यकता नहीं होती है तो नहीं होता है। तो शरीर का प्रयोग साधन की तरह होता है। तो कर्ता का मतलब मुख्य रूप से देखें तो निर्णय लेना। मैं अपने भीतर जो कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि वो भी मेरा निर्णय है, मेरा भाव भी मेरा निर्णय है, मेरा विचार भी मेरा निर्णय है, जो शरीर से मैं कर रहा हूँ करने वाला हूँ वो भी मेरा निर्णय है। अरे निर्णय लेने वाला मैं शरीर नहीं, शरीर तो साधन मात्र है। बढ़िया, तो ये हम अपने आप में देखना शुरू करें कि मैं ही करता हूँ, निर्णय तो सारे मैं ही लेता हूँ। इसमें कई बार एक प्रश्न ये भी बनेगा कि ये मैं निर्णय ले रहा हूँ कि ब्रेन ले रहा है। अब ब्रेन को लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर बनते हैं। कई बार हम ये मान भी लेते हैं कि ये ब्रेन नहीं कर रहा है, कई बार मान लेते हैं कि नहीं ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन में क्या हो रहा है, मुझ में क्या हो रहा है, शेष शरीर में क्या हो रहा है, ये स्पष्ट होना बनता है। तो ब्रेन शरीर का एक ऐसा भाग है जिसके माध्यम से मैं शरीर से जुड़ता हूँ। तो जो मैं अपने अंदर निर्णय लेता हूँ वो सूचना के रूप में ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से वो एम्पलीफाई होकर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। तो ब्रेन एक ट्रांसमिशन का काम करता है, सूचना के आदान प्रदान के तंत्र के रूप में काम करता है। नहीं, निर्णय मेरा होता है। और ये बात और ठीक से स्पष्ट होती है जब हमारी ऊपर की क्रियाएं जागृत होती हैं, क्योंकि नीचे की क्रियाओं में यानी जो चयन आस्वादन की क्रियाएं हैं, विचार में भी देखें तो ब्रेन का एक रोल हो सकता है। तो कई बार हम बार बार सूचना को लेते देते हुए उन क्रियाओं को करते हैं, परंतु तो जब ज्ञान के आयाम में काम कर रहे होते हैं, चिंतन बोध अनुभव के स्तर पर क्रियाशील होते हैं, तो आप पाएंगे उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं है, वो तो शुद्ध रूप से मुझ में हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने को स्पष्ट होगा कि मैं ही करता हूँ, शरीर तो साधन मात्र है। जितनी बातों की स्पष्टता के साथ हमको ये दिखने लगता है कि अल्टीमेटली तो मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो एक मानव के रूप में होने में मैं आधार में हूँ, केंद्र में हूँ। ठीक है ना, मैं शरीर का एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ और शरीर के लिए मैं सुविधाओं का प्रयोग कर रहा हूँ, और मूल मुद्दा तो मेरे अपने विकास का है। ठीक है, तो हम उसको फिर फोकस में रखते हैं कि मेरा विकास हो रहा है कि नहीं, पिछले 20 साल में हमने कितना विकास किया, मेरी संपत्ति कितनी बढ़ गई, ये मेरा विकास नहीं है, है ना, मेरे शरीर में क्या हो गया, मेरा विकास नहीं है, मुझे कितने लोग पहचानने लगे, नाम जानने लगे, ये मेरा विकास नहीं है, मेरे अंदर व्यवस्था की समझ कितनी बनी, ये मेरा विकास है, यही मेरी उपलब्धि है, जिसको कल हमने असाइनमेंट में भी लिया था, जिसको हम और बारीकी से देख सकते हैं। जी निहारिका जी का हैंड रेज है, परंतु मैं ऐसा करता हूँ, उसके पहले चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है उसको रख लेते हैं। वी आर अनेबल टू फील, शीला जी का प्रश्न है, वी आर अनेबल टू फील व्हेन ब्रेन इज इनएक्टिव दो सेल्फ इज प्रेजेंट, doesn't it mean brain feels not self? ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इसको आप ऑब्जर्व करिए तो आपको पता लगेगा कि ब्रेन एक्टिव या ना एक्टिव हो, फीलिंग तो यथावत बना रहता है, विचारों में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि विचार में जो हमको वस्तु मिलती है वह हम कई बार बाहर से मिलने वाली सूचना के आधार पर तय करते हैं, है ना, जैसे कोई विचार करना है, किसी से मिलना जुलना है, कोई कार्यक्रम बनाना है, तो विचार में तो फिर भी आपको एक निर्भरता लगेगी, भाव के अवसर पर आप देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि ब्रेन की बहुत आवश्यकता नहीं है, और जो सहज स्वीकृत भाव है तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर यथावत बने रहते हैं। इट सीम्स देयर इज समथिंग बिहाइंड ब्रेन व्हिच फील्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन कॉल्ड सेल्फ। बिहाइंड ब्रेन ना कहें, यू आर देयर,
आप ही सेल्फ है ना। कई बार ऐसा लगता है कि मैं ब्रेन हूं और मेरे पीछे कुछ है, तो नहीं, यू आर द सेल्फ, और बिहाइंड नहीं, विद द ब्रेन है, ठीक है ना। तो उसको हम बिल्कुल ठीक ठीक ऑब्जर्व कर सकते हैं। नवीन कुमार जी का, व्हेन सेल्फ एंड बॉडी आर डिफरेंट, विदाउट बॉडी कैन सेल्फ लर्न थिंग्स भैया, एज वी नो सेल्फ इज हियर डूअर एंजॉयर। ठीक है, विदाउट बॉडी का जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान ही रुक गया, बाहर से ना हमें प्रस्ताव मिल रहा है, ना हम उसको जीने में वैलिडेट कर पा रहे हैं, तो फिर हमारी स्थिति जैसी है वैसी बनी रहती है। और दो चीजें, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो लर्निंग तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया क्योंकि सीखना है, और सीखने में तो शरीर की भागीदारी है, उसके बिना तो सीखेंगे नहीं। अंडरस्टैंडिंग में भी एक मेजर पार्ट तो वही है कि बाहर से प्रस्ताव लेना, उसको अपने अंदर उसका विचार करना, विश्लेषण करना, फिर जाके जांचना परखना। यदि तो जो बाहर से प्रस्ताव लेने वाला काम है या उसको जी कर देखने वाला काम है, तो शरीर के माध्यम से ही होगा, वो भी नहीं हो पाया। इसलिए शरीर हमारी एक आवश्यकता बनी रहती है जब तक कि हमारे अंदर ज्ञान पूरा ना हो जाए, उसके बाद हमारा चॉइस है। तो आज असाइनमेंट के रूप में हम इस बात को फिर से देखें कि क्या ये बात हमें स्पष्ट हो पाती है कि मानव के होने में मैं ही केंद्र में हूँ जी, और मैं ही दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ जी। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज का असाइनमेंट ये है कि इस बात को और बारीकी से ऑब्जर्व करें, तो अपने दृष्टा होने को, भोक्ता होने को, कर्ता होने को ऑब्जर्व करें, और जितनी आज चर्चा हुई प्रश्नोत्तरी में, उससे अगर कुछ और चीजें ध्यान में ले आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया।